छोटी सी राइड मारने का प्लान है अभी मेरा। सुबह से ऐसा हो रहा था राइड पे जाऊं, लेकिन सुबह जा उठ नहीं पाया तो जा नहीं पाया। तो अभी छोटी सी राइड मारने का प्लान है, अभी निकलेंगे, शायद हजीरा तक जाएंगे। सोचा तो यही है, या शायद नवसारी जाएंगे, लेकिन सोच तो हजीरा जाने के, लेकिन कंफ्यूज हूँ थोड़ा। पहले बाइक निकालेंगे, फिर सोचेंगे उसके बारे में। तो ऑल सेट, हेलमेट है, ग्लव्स है, गोप्रो लगा लिया है, माइक भी सेट है, तो निकलते हैं छोटी सी राइड पे। कि कहाँ जाऊँगा, सोच रहा हूँ हजीरा निकल जाऊँ, क्योंकि नवसारी या मतलब वेस्मा और वलसाड तो मैं हर संडे जाता ही रहता हूँ, तो उधर जाने की इच्छा नहीं है। वैसे भी शाम की राइड है, तो हजीरा जाऊँगा, वहाँ पे थोड़े दो तीन फोटो खींच के वापस आ जाएंगे। बात कर रहा था वो जो मैंने दो ट्रक के बीच में से निकाली थी, तो कभी कभी क्या होता है ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि बाइक थोड़ी स्पीड में होती है और अगर इतनी ज़ोर से अगर ब्रेक मारोगे या कुछ भी करोगे तो कुछ भी हो सकता है। उससे अच्छा आप निकाल सकते हो तो निकाल लो, वो अच्छा रहता है, लेकिन आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं निकाल लूँगा। अगर आप डर गए तो हादसा हो सकता है। शाम की राइड यहाँ आना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि ऐसा नज़ारा वो रोड पे नहीं मिलता है। देखो यार, सिर्फ देखो यार, क्या नज़ारा है। हाँ, पूरा पार्किंग एरिया बन गया है ये। पहले जब मैं आता था तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता था, अभी तो पूरा पार्किंग एरिया बन गया है ये। एक भी जगह नहीं मिली मुझे खड़े रहने की। सोचा था कि खड़े रह के थोड़े एक दो पिक्चर निकालूंगा, लेकिन एक भी जगह ऐसी मिली नहीं कि पिक्चर निकाल सकूं। तो अभी क्या करें बोलो। एक जगह मिली है शांति, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है, अकेला रहना ही अच्छा लगता है मुझे ज़्यादातर, तो इधर ही खड़ा रहता हूँ। आई हाय, ओहो, तो प्लानिंग तो था थोड़ा दूर जाके खड़े रहने का, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे मैं रेगुलरली खड़ा रहता था वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, पार्किंग ये हुए सारी ट्रक और बहुत सारे बंदे भी वहाँ पे खड़े थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अकेला पसंद है।
अकेले रहना पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। वैसे ये नज़ारा भी कोई ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। तो चलो निकलते हैं अभी, 10-15 मिनट का रेस्ट ले लिया बहुत है इतना तो। बहुत टाइम के बाद इधर आया, पता नहीं था इतने रास्ते खराब है, क्योंकि मैं जब भी आता था तभी इतने ख़राब तो नहीं होते थे। हाँ होते थे ख़राब, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है रास्ता। और नॉर्मली मैं यहाँ खड़ा, वो गेट है वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत पब्लिक है अभी आज, तो पता नहीं क्यों कहाँ से आए। और ये तो पूरा पार्किंग स्पॉट ही बन गया है, क्योंकि ये सब ट्रक पहले नहीं खड़े होते थे इधर। पेट्रोल के लिए पैसे दे दो, और एक नई बाइक दे दो, ब्रांड न्यू अच्छी वाली। मेरा भारत मान, गप टर्न मार रहा है। अरे इतनी छोटी सी बाइक या कार होती है तभी डर लगता है ऐसे ऐसे घुमान। तो यहाँ से हमारा टर्न आ चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और, क्योंकि मज़ा नहीं आया इतना राइड करने का, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत था। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, उसके बाद टर्न ले लेंगे शायद अब्बा चौकड़ी या फिर खजूर। जाने दो। सिंगापुर, तो ये थी हमारी छोटी सी राइड, क्योंकि मन में सुबह से हो रहा था राइड पे नहीं गया, तो वो सुकून मिला एक कि हाँ मैं जाके आया। चाहे छोटी सी हो या बड़ी सी राइड, राइड होती है, सुकून होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो।
तो ये थी हमारी छोटी सी राइड, जाके आ गए। इतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, लेकिन सुकून मिला है कि हाँ कि मैं राइड पे जाके आया। तो नेक्स्ट संडे कुछ बड़ा प्लान करेंगे, आज तो सुबह नहीं जा पाया इसलिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया, और रात को कर्फ्यू भी लगने वाला है इस वजह से ज़्यादा दूर नहीं गया। तो अभी के लिए इतनी छोटी सी राइड जो सुकून एक मिला वो मिलना चाहिए वो मिल गया, तो आज तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट संडे कुछ बड़ा प्लान करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, गाड़ी ठीक से चलाइए, हेलमेट पहनिए, और कर्फ्यू में बाहर मत निकलना क्योंकि दंडे पड़ेंगे आई एम श्योर, बहुत मारेंगे पुलिस वाले। आज संडे है तो बहुत सारे लोग बाहर निकलने का सोच रहे होंगे, तो आज बाहर मत निकलना, कर्फ्यू है। ओके, बाय बाय।